तो कैसे आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अब जाके कोई मुकाबला होने वाला है इंडियन टीम का, और वो होगा वेस्ट इंडीज के साथ। तो आईसीसी टूर्नामेंट हारने के बाद दो देशों के बीच खेले गए मैचेस में जीतने के बाद हम सारे गम भुला देते हैं। ये हमेशा से होता आया और हमेशा से पता नहीं क्यों बीसीसीआई ने कमजोर टीम को चुनती है। मैंने ये देखा है, नोटिस किया, जब भी वर्ल्ड कप से आप हार के आ जाओ, आप चाहे चैंपियंस ट्रॉफी से हार के आ जाओ, उसके बाद आप सीधा एक ऐसी टीम के साथ खेल लेते हो जिसको आप अच्छे से पटक के पीट सकते हो। अच्छा और वही चीजें अब फिर से हो रही है भाई, क्योंकि वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबला है, और वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबला है इसका मतलब कि बहुत ही कमजोर टीम है। आज की डेट में अगर मैं वेस्ट इंडीज को तुलना करूं ना, तो वो बांग्लादेश से भी बहुत नीचे है। बांग्लादेश कहीं ना कहीं बहुत बेटर क्रिकेट खेल रही है उससे। अब वो वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है जो एक वक्त पे बहुत दबदबा रखती थी वर्ल्ड क्रिकेट में। और यहाँ क्लियरली है कि इंडिया टीम जीत जाएगी, बहुत आसानी से जीत जाएगी। उनके साथ टेस्ट मैच है, ओडीआई है, टी20 है, तो बहुत सारे मुकाबले देखने को मिलेंगे, और उसकी टीम आ गई है तो बहुत सारे चेंजेस है टीम में। जैसे कि गायकवाड को जगह मिली है, टेस्ट मैच ओडीआई दोनों में ही उनको जगह मिली है, यशस्वी जायसवाल को इंक्लूड किया गया, और जिस तरीके के परफॉर्मेंस थे दोनों के ही आईपीएल में, हमें उम्मीद थी कि ये कहीं ना कहीं आने वाले हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल को सिर्फ टेस्ट मैच में जगह दी गई है, ओडीआई में उनका नाम नहीं है। संजू सैमसन को ओडीआई में खिलाया गया है, चलो शुक्र है बीसीसीआई का ध्यान तो गया कि वो भी क्रिकेटर है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, हम सबको पता है यार संजू सैमसन क्या कर सकते हैं, और हमेशा से यही अपील रही कि भाई क्यों नहीं खिलाते, क्या प्रॉब्लम है भाई, मौका तो दो उसको। जब तुमने इतनों को ट्राई किया, इतने मौके दे दिए, उसके बावजूद आप इन पे क्यों नहीं कर सकते। चलो इस बार फाइनली मौका मिला है, अब देखना यह बनता है कि ईशान किशन को खिलाते हैं या संजू सैमसन को। वैसे दोनों में ही बेहतरीन काबिलियत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ईशान किशन कहीं से भी कम है, बहुत ही बेहतरीन है, और दोनों को खिला ले तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि अलग ही लेवल के खिलाड़ी है। दोनों में से एक भी अगर टिक गया ना, तो गेम चेंज कर सकता है। वैसे ईशान किशन की वापसी हुई है टेस्ट मैच में भी और ओडीआई में भी। वैसे मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी केस भरत की जगह होना चाहिए था ईशान किशन को, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्मेट वो खेल के आए हैं और जिस तरीके के अच्छे खासे फॉर्म में लग रहे थे, कुछ मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया भी था, और एक बड़ा प्लेयर जब होता है ना, बहुत ज्यादा जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जिस तरीके से वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, इंडिया टीम के लिए भी खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेटर इंपैक्टफुल प्लेयर बन सकते थे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे। खैर, जो बीत गया उसको छोड़ते हैं, आगे को देखते हैं। तो टेस्ट मैच में भी उनका नाम है और ओडीआई के लिए भी। कुछ बॉलिंग में भी चेंज किए गए हैं, कुछ बॉलर इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे जयदेव वनडकट की खतरनाक वापसी हुई है, और ये भी कहीं ना कहीं आईपीएल की देन है, उनका टेस्ट ओडीआई दोनों में ही नाम है। अब देखते हैं वो क्या आईपीएल की तरह परफॉर्मेंस कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आईपीएल के बेस पे हम सिलेक्शन तो लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है ना, तो सबके बस बैटरी गुल हो जाती है। सही बात है। तो यही उम्मीद करेंगे कि वो जिस तरीके से आईपीएल में परफॉर्मेंस दे के वापसी कर रहे हैं, वैसा ही परफॉर्मेंस कुछ दे। उसके बाद उमरान मलिक, ओडीआई में नाम है, टेस्ट में नहीं है, और जो कि सही है, क्योंकि टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं बहुत सारे ओवर्स डालने होते हैं, और वहां पे आप इतने फास्ट बॉलिंग जो ऑप्शंस है ना, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं होते, वो इतने ओवर्स नहीं डाल पाएंगे, कहीं ना कहीं फिटनेस पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, शायद ये होगा, पर मुझे नहीं पता। पर उन्हें ओडीआई में मौका दिया गया है, वो अपने लाइन लेंथ पे रह पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब गया था, कुछ अच्छा सीजन नहीं गया उनका, पर फिर भी उनमें काबिलियत बहुत है, जो स्पीड है, जो रफ्तार है, कहीं ना कहीं इंडिया में सबसे ज्यादा तेज डालने वाले बॉलर है, तो हम यही चाहेंगे कि उनका एक बार फॉर्म आ जाए और वो लाइन लेंथ को पकड़ ले, फिर इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। बाकी मुकेश कुमार की एंट्री हो गई है, और टेस्ट ओडीआई दोनों में मुकेश कुमार, हम सबको पता है किस तरीके की बॉलिंग की थी, चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, और जहां धोनी है ना, तो प्लेयर बनाते हैं भाई, वो किंग मेकर, बात तो सही है, किंग बना के रख देते हैं चाहे कोई भी बॉलर हो। तुषार देशपांडे नेट बॉलर थे, उनको एक खतरनाक मेन स्ट्राइक बॉलर बना के रख दिया, तो भाई अगर धोनी के अंडर में खेलेंगे तो इंटरनेशनल तो खेलेंगे। मुकेश कुमार की वापसी हुई है दोनों ही टेस्ट मैच ओडीआई दोनों में, अब यही उम्मीद करते हैं कि वो आईपीएल की तरह ही परफॉर्मेंस दे और अपना नाम बनाए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा प्लेयर खेल रहे हैं इस बार वेस्ट इंडीज टूर पे, और यही उम्मीद करते हैं कि इनका ये टूर बहुत अच्छा जाए और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबके अच्छे परफॉर्मेंस है। तो आपको क्या लगता है, किस प्लेयर का नाम होना चाहिए था और किसका नहीं होना चाहिए था, कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।